एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन में हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां और उनके भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड प्राप्त हुए ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं और हमें नया उत्पाद क्या प्राप्त होगा, उन सभी के बारे में ऐसे बताएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन पांच प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इनके द्वारा दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ये ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं आपको चयन प्रदर्शित करते हैं और हैलोजनीकरण प्रदर्शित करते हैं। चौथी अभिक्रिया है केवल एल्डिहाइड द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रिया। और पांचवी अभिक्रिया है केवल कीटोन द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोन पांच प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजनीकरण। केवल एल्डिहाइड द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाएं और केवल कीटोन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो कार्बोनिल समूह के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बोनिल समूह है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है, तीन सिग्मा बंध होते हैं। तो यहां पर हमारा सी डबल बॉन्ड O जो है sp2 संतृप्त अवस्था में पाया जाता है। अवस्था में पाया जाता है sp2 संतृप्त अवस्था में पाया जाता है। यहां पर पाई बंध है, जब इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और यदि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन टूटते हैं तो ऐसी स्थिति में यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होगी, इसलिए ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो नाभिक स्नेही जो होता है वो कार्बन पर अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑक्सीजन पर अटैक करता है। तो यदि इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है जो अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया जब इसकी कराई जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है हमें उत्पाद प्राप्त होता है। और ये एक रासायनिक अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है
जो लगातार उत्पाद की ओर अग्रसर होती है, जो लगातार उत्पाद की ओर अग्रसर होती है। अब ये कहेंगे सर यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है ये ऋण विद्युत तत्व है, इससे यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर यदि हम ये लिखें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पर करवाते हैं तो ये जो पद बनता है ये हमारे पास अस्थायी होता है। इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अभिक्रिया इस प्रकार पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ता है। इस प्रकार जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल समूह है वो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब इनकी क्रियाशीलता देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनिल समूह है उस कार्बोनिल समूह में दो है, एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, इनकी आपेक्षिक क्रियाशीलता क्या होगी? तो एल्डिहाइड और कीटोन की यदि आपेक्षिक क्रियाशीलता पर विचार करें तो यहाँ पर एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होगा। एल्डिहाइड जो है वो अधिक क्रियाशील है कीटोन। अब क्रियाशीलता का कारण क्या है, क्रियाशीलता की अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड होगा कम होगा कीटोन, इसका कारण क्या है? इसके दो कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है कि जैसे जैसे कार्बोनिल समूह पर, ये हमारा कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह पर यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, एल्किल समूह बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ धनावेश का मान बढ़ता जाएगा। धनावेश का मान बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक स्नेही है उनको योग करने में दुविधा उत्पन्न होगी, वो कठिनता से जुड़ पाता है। और जैसे जैसे एल्डिहाइड से कीटोन की ओर जाते हैं, एल्डिहाइड से कीटोन की ओर जाने पर एल्किल समूह एल्केन की श्रृंखला में वृद्धि होती है, और यदि एल्केन की श्रृंखला में वृद्धि होती है तो क्रियाशीलता का क्रम घटता जाता है। यहाँ पर यदि हम फॉर्मेलडिहाइड लेते हैं तो फॉर्मेलडिहाइड में एल्किल समूह अनुपस्थित होता है। यदि यहाँ पर एसिटेटहाइड लेते हैं तो यहाँ पर एक एल्किल समूह है। यदि यहाँ कीटोन लिया जाता है तो कीटोन पर दो एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या अधिक है, इसलिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने में पृथक करने में इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और क्रियाशीलता का क्रम जो होगा इस प्रकार होगा, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे जैसे एल्किल संख्या कार्बन पर एल्किल संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रियाशीलता का क्रम घटता जाता है। तो ये हमारे प्रेरणिक प्रभाव के कारण एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। दूसरा जो यहाँ प्रभाव है यह है द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान में
कि एल्डिहाइड कीनोन से अधिक क्रियाशील होते थे। अगर आपसे अपेक्षित क्रियाशीलता पूछी जाए तो दोनों ही प्रकार से स्टेरिक प्रभाव के आधार पर भी त्रिविम बाधा के आधार पर भी हम यहां बता सकते हैं कि हमारे एल्डिहाइड जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं और कीटोन कम क्रियाशील होते हैं। अब इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं कि किस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ये तो थी हमारी सामान्य जानकारी कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ये करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया। सोडियम बाइसल्फाइड होता है NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया करके योगोत्पाद बनाते हैं। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के लिए मान लीजिए कोई भी कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर ये योगोत्पाद का निर्माण करते हैं।
एचसीएल की अभिक्रिया यदि हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो यहां पर ये तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया होगी। यदि कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं तो कीटोन की अभिक्रिया पर सेम अभिक्रिया होगी, केवल एच के स्थान पर क्या लग जाएगा, मैथिल समूह लग जाएगा। तो ये बन जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। कीटोन की अभिक्रिया से एसीटोन साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन जो हमारे पास बना है ये महत्वपूर्ण यौगिक हैं और ये आगे अपचयित हो जाते हैं और इनकी रासायनिक अभिक्रिया से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इनके यदि आगे रासायनिक अभिक्रिया इनको अपचयित कराया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से HCN के साथ अभिक्रिया दो अभिक्रियाएं हो गई हैं, पहले आपने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, दूसरी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है ये ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये जो हमारे पास योगोत्पाद प्राप्त हुआ है ये योगोत्पाद का अपघटन होता है और जल अपघटन कराने से ये आगे हमें अल्कोहल देता है। इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराने से हमारे पास कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने की विधि देखते हैं। यदि इसके स्थान पर हमारे पास एल्डिहाइड इसकी अभिक्रिया करें ग्रिग्नार अभिकर्मक से, अब यदि ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा जल अपघटन कराया जाता है
एलुमिनियम प्राप्त होगा। तो क्रिया अभिकर्मक जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया पहले से पढ़ी हुई अभिक्रिया जो एल्कोहल जो का लेसन है उसमें आपने पढ़ी होगी। अब आगे की जो अभिक्रियाएं हैं यहां पर ये एसिटेल और कीटेल का निर्माण करते हैं। हमारे पास जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं यदि उनकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराएं, सीधी सीधी अभिक्रिया किसके साथ करानी है, अल्कोहल के साथ करानी है, तो यहां पर ये कोई अल्कोहलिक समूह है जिसकी अभिक्रिया कार्बोनिल समूह से कराते हैं, ऐसी स्थिति में यहां पर अल्कोहल का निर्माण होगा। यदि इसकी पुनः अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है, यह अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है। पुनः अभिक्रिया कराई जाती है तो पुनः अभिक्रिया कराने पर एसिटेल प्राप्त होता है। यहां पर जो बनेगा वो होगा MeSiCl। मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं। अल्कोहल से कराने पर यहां पर MeSiCl का निर्माण होता है। इसको बोला जाएगा MeSiCl। ये जो हमारे पास MeSiCl बना है यदि इसकी पुनः अभिक्रिया अल्कोहल से कराएं तो कंप्लीटली एसिटेट प्राप्त होगा। ये जो हमारे पास संरचना बनी है ये संरचना होती है एसिटेल की, इसे एसिटेल बोला जाता है। तो इस प्रकार एल्डिहाइड जो होते हैं एसिटेल का निर्माण करते हैं। यदि यहां पे कोई फिक्स अल्कोहलिक समूह है जैसे हमने ले लिया एथेनॉल, के स्थान पर हमने क्या ले लिया एथेनॉल, ये रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड समूह है, इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं। यदि इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल से कराने पर जो हमें प्राप्त जो उत्पाद प्राप्त होता है इसको बोला जाता है MeSiCl। और इस एसिटेल की अभिक्रिया पुनः अल्कोहल से कराते हैं तो संपूर्ण चक्रीय यौगिक बनता है जिसे एसिटेल कहा जाता है। हमारे पास एल्डिहाइड समूह है, इस एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल से कराने पर MeSiCl बनता है, MeSiCl की अभिक्रिया पुनः अल्कोहल से कराते हैं तो एसिटेल
का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारे पास कीटोन होते हैं, कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जितने भी कीटोन होते हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय संरचना बनाते हैं, जिसे कीटेन कहा जाता है। अब कीटेन की संरचना क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे ग्लाइकोल से अभिक्रिया करेंगे, कोई भी हमारे पास कीटोन समूह है, ये कीटोन समूह ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करता है। एसीटोन जो है इसके साथ अभिक्रिया करता है ग्लाइकोल के साथ। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसके साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने पर यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, और जल का एक अणु बाहर निकलने पर यहाँ एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को कीटेन कहा जाता है। तो यहाँ पर नाभिकीय योगात्मक अभिक्रियाओं में ग्लाइकोल के साथ यानी कि अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके कीटोन एक चक्रीय संरचना बनाती है, जिसे कीटेन कहा जाता है। तो ये चार प्रकार की नाभिकीय योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं, जो कीटोन होते हैं, वो चार प्रकार की नाभिकीय योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड नंबर पर इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह है नाभिकीय योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। नाभिकीय योगात्मक विलोपन अभिक्रिया
हाइड्रोक्सी एनियन। इस समूह को बोला जाता है हाइड्रेजन। यदि अमोनिया के साथ कोई भी बेंजीन वगैरह जुड़ी हुई है तो बेंजीन वगैरह जुड़ी हुई है तो उसके लिए हम यहां पर लगाते हैं, मान लीजिए ये कोई बेंजीन वगैरह यहां पर जुड़ी हुई है, इसके लिए लगाएंगे फेनिल हाइड्रेजन, फेनिल ग्रुप का। इस श्रेणी के साथ यदि नाइट्रो समूह लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे टू नाइट्रो एनिल हाइड्रेजन। यदि एमिन समूह के बीच में कोई कार्बोनिल समूह लगा हुआ है सेमी कार्बोजाइड बोला जाता है। तो ये अमोनिया के उत्पन्न है, इन सभी के साथ यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से एक अणु का विलोपन हो जाता है। विलोपन अभिक्रिया में देखिए इनकी विलोपन अभिक्रिया कराते हैं कार्बोनिल समूह के साथ, तो कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करवाने पर कोई भी हमारे पास यहाँ अमोनिया व्युत्पन्न हो सकता है। इस अमोनिया व्युत्पन्न की अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस अमोनिया व्युत्पन्न की अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर हमें उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन समूह जुड़ जाएगा, हमें कार्बन के हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। कार्बन का क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन। कार्बन का हाइड्रोजन प्राप्त होगा। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो डार्विन स्टर्निंग योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि यदि ये कार्बोनिल समूह होता है कार्बोनिल समूह जब ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने पर यहां पर एक ऐसा समूह आ जाता है और यहां इस प्रकार से ये योगोत्पाद बनता है। ये जो योगोत्पाद बनता है इस योगोत्पाद में से जल का अणु बाहर निकल जाता है और जैसे ही यहां से जल का अणु बाहर निकलता है तो हमें हमारा अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है मान लीजिए इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है, कराते हैं यहां पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमीन है। NH2OH जो जुड़ता है उसके जुड़ने का क्या होगा? इस प्रकार से योगोत्पाद बनाएंगे जिससे जल अपघटन होगा और इसके जल अपघटन से यहाँ पर
प्रकार से जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा इनका जो नामकरण किया जाता है, नामकरण के लिए सबसे पहले हमारे पास कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो हमारे पास नाइट्रोजन व्युत्पन्न है या अमोनिया व्युत्पन्न है उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, एथिक समूह हो जाएगा, एथिक हाइड्रोजन बोलेंगे, या फिर हम इसे यहाँ बोल सकते हैं एसिटिक हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमारे पास ये नामक स्नेह विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब इन अभिक्रियाओं के बाद में नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं के बाद में जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनमें एक अभिक्रिया आती है ऑक्सीकरण की। हमारे पास जो तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है, ऑक्सीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में हमारे पास सबसे पहले हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, कीटोन का ऑक्सीकरण कठिनता से होता है। तो ऑक्सीकरण करने के लिए कुछ ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास K2Cr2OCl हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, ये हमारे पास प्रबल ऑक्सीकारक है। दुर्बल ऑक्सीकारक में जैसे हमारे पास एल्युमिनियम हो सकता है, बेनेडिक्ट विलयन हो सकता है, टॉलन अभिकर्मक हो सकता है, ये सभी हमारे पास दुर्बल ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर एल्डिहाइड सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। ये जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है इस एल्डिहाइड की प्रकृति होती है कि एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन समूह होता है, यदि इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये आसानी से ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीकारक की उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीकृत होकर के प्रतिस्थ का निर्माण करता है, अम्लों का निर्माण करता है। अब अम्लों का निर्माण करेगा एल्डिहाइड जो होता है वो दोनों प्रकार के ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक से भी अभिक्रिया कर सकता है और दुर्बल ऑक्सीकारक से भी अभिक्रिया कर सकता है, और प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के ऑक्सीकारक से अभिक्रिया करके और अम्लों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं अम्लों का निर्माण करते हैं। यहाँ कोष्टक में जो ऑक्सीजन लिखा जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कोष्टक में ऑक्सीजन है ये परमाणु अवस्था में, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकृत होकर के और अम्लों का निर्माण से एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के और अम्लों का निर्माण करती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे अम्लों का निर्माण करती है। अब यहां पर एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड का अपचायक हो गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, एल्डिहाइड क्या हो गया यहां पर अपचायक हो गया, और ये विशेष प्रकार के कुछ विलयन होते हैं जिनके अपचायन अपचयन के लिए उपयोग किया जाता है और उन विलयनों को अपचयित कर देता है, विलयनों को अपचयित कर देता है, इसलिए इसका उपयोग इस एल्डिहाइड जो होते हैं इनका उपयोग एल्डिहाइड परीक्षण के लिए ऑक्सीकरण का उपयोग उसके लिए किया जाता है, एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो परीक्षण के लिए जो सबसे पहला अभिकर्मक एजेंट होता है हमारे पास, पहला अभिकर्मक जो होता है वो होता है हमारे पास टॉलरेंट अभिकर्मक। सबसे पहला जो हमारे पास एजेंट है वो क्या है, टॉलरेंट अभिकर्मक। देखिए टॉलरेंट अभिकर्मक क्या होता है, देखिए इससे आगे की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ठीक है, टॉलरेंट अभिक्रियाएं, यहां से अभिक्रियाएं जो हैं वो
का अमोनिया, अमोनिया में विलयन जो होता है, जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट होता है इसका अमोनीकृत सॉल्यूशन, अमोनीकृत विलयन जो होता है उसे टॉलन अभिकर्मक कहा जाता है। अब ये AgNO3 को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोलने पर ये Ag2O में अपक्षय हो जाता है। इस Ag2OH के जो अवशेष हमें प्राप्त हुआ है इसे NH4OH के विलयन में घोला जाता है जिससे हमें टॉलन अभिकर्मक प्राप्त होता है। दोबारा से सुनिए, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोलने पर, मिलाने पर हमें Ag2O सोडियम सिल्वर ऑक्साइड का अवशेष प्राप्त होता है। ये सिल्वर ऑक्साइड का जो अवशेष होता है इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोलने पर टॉलन अभिकर्मक प्राप्त होता है। अब टॉलन अभिकर्मक जो होता है वो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड के साथ समान अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास टॉलन अभिकर्मक का एजेंट जो प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया यदि एल्डिहाइड से कराई जाती है तो हमें यहाँ पर जो जिस परख नली में हम अभिक्रिया कराएंगे तो उस परख नली की दीवारों पर जो सिल्वर धातु होती है Ag जो होती है कि अपचयित हो जाती है, अपचयित होकर परख नली की दीवारों पर जमा हो जाती है और सिल्वर के दर्पण के समान दिखाई देती है। इस सिल्वर के दर्पण के समान दिखाई देती है इसलिए इसे रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं और इसका उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण में किया जाता है कि हमें जो यौगिक दिया गया है वो एल्डिहाइड है या नहीं। और एलिफैटिक तथा एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड के साथ समान प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। कई बार ऐसा होता है कि ये परख नली की दीवारों पर जमा ना हो करके और उसमें अवक्षेप के रूप में भी प्राप्त होता है। ये संपूर्ण प्रक्रम एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में प्राप्त होता है। तो यदि इसकी अभिक्रिया हम देखें तो RCHO यानी हमारे पास एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं टॉलन अभिकर्मक के साथ तो ये अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने पर हमें यहाँ पर अमोनिया में अम्ल प्राप्त होते हैं, चांदी अपचयित हो जाती है, अमोनिया गैस बनती है और जल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं और यहाँ पर इसको रजत दर्पण या सिल्वर का अवशेष कहा जाता है जो हमें चांदी के दर्पण के समान होता है। इस प्रकार टॉलन अभिकर्मक का अपचय कर दिया जाता है यानी कि एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जहाँ पर एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक का क्या कर देती है अपचय कर देती है। इसके बाद टॉलन अभिकर्मक के बाद और भी हमारे पास बहुत सारे एजेंट हैं जैसे बेनेडिक्ट है, फैनिक विलयन है, सिप अभिकर्मक है, उन सभी की अभिक्रियाएँ हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं सब एक बार आपको लिख लीजिए याद रखना।